बड़ी खबर, सत्येंद्र जैन को लेकर उन्हें बड़ा झटका लगा है। सारी अर्जियां कोर्ट की तरफ से उनकी खारिज कर दी गई और सीधे ये निर्देश जल्द ही उन्हें सरेंडर करना होगा। आप नेता सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ा झटका, राहत की उम्मीद जरूर लगाए बैठे रहे होंगे सत्येंद्र जैन, लेकिन सभी याचिकाएं उनकी खारिज कर दी गई हैं और इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब सरेंडर करना होगा सत्येंद्र जैन को। न सिर्फ सत्येंद्र जैन, आम आदमी पार्टी के लिए भी झटका, क्योंकि उनके बड़े नेता जेल में ही हैं। सत्येंद्र जैन को अब सरेंडर करना होगा। अर्जी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में राहत के लिए लगाई, लेकिन वो राहत फिलहाल सत्येंद्र जैन को मिलती हुई नहीं नजर आई। सुप्रीम कोर्ट से ये झटका, सत्येंद्र जैन की सभी अर्जियां खारिज की गई और अब जल्द ही उन्हें सरेंडर भी करना होगा। सृष्टि ओझा हमारे साथ हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। यानी सृष्टि, अब सरेंडर करना होगा, एक बड़ा झटका सत्येंद्र जैन को। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा झटका है सत्येंद्र जैन के लिए। सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से आखिरी फोरम था उनका, जो निचले कोर्ट्स हैं लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही उनकी बेल की अर्जी पहले खारिज कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट जो एक हाईएस्ट कोर्ट है कंट्री का, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ना सिर्फ उनकी बेल अर्जी खारिज की है, उन्हें साफ शब्दों में ये भी कहा है कि अभी उन्हें सरेंडर आज ही करना होगा। सत्येंद्र जैन के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि उन्हें एक हफ्ते का टाइम दिया जाए, क्योंकि जैसा कि हमें पता है सत्येंद्र अभी इंटरिम मेडिकल बेल पे बाहर है, उनकी सर्जरी हुई थी। उनके वकीलों ने आज कोर्ट को बताया कि उनकी फिजियोथेरेपी अभी भी चल रही है, तो एक हफ्ते का वक्त एटलीस्ट दिया जाए सत्येंद्र जैन को सरेंडर करने के लिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में ना कहा है, कोर्ट ने कहा है उन्हें आज ही सरेंडर करना होगा। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का यह केस है जो सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, एक कुछ हवाला ट्रांजेक्शन करने के एलिगेशन लगे हैं शेल कंपनीज के द्वारा सत्येंद्र जैन पे। सत्येंद्र जैन का हालांकि कहना था कि जो शेल इस केस में इन्वॉल्व है उनसे उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, ईडी के पास कोई एविडेंस सत्येंद्र जैन के खिलाफ नहीं है। हालांकि ईडी ने कहा था कि सारी जो कंपनीज है 4 करोड़ से ऊपर तक का अमाउंट इनका के ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व थे, जो हवाला ट्रांजैक्शंस के थ्रू हुए। सीबीआई ने भी अपने मेन केस में ये कहा था कि 1.5 करोड़ से ऊपर के ट्रांजैक्शंस किए गए थे इस पूरे केस में और इतने करोड़ों के प्रोसीजर क्राइम जो है इस केस में इन्वॉल्व है। कोर्ट ने क्या ग्राउंड्स पे आज डिसमिस करी है सत्येंद्र जैन की बेल प्ली, हमें पता चलेगा एक बार जब कोर्ट का डिटेल ऑर्डर बाहर आता है। लेकिन हाँ, अभी कोर्ट ने कहा है कि सत्येंद्र जैन और उनके साथ जो दो को-अक्यूज थे उन तीनों की ही बेल की अर्जी खारिज कर दी है कोर्ट ने। इंटरिम बेल पे जो सत्येंद्र जैन अभी तक थे, सुप्रीम कोर्ट ने ही उन्हें अंतरिम जमानत दी थी मेडिकल ग्राउंड्स पे, वो भी आज अपने आप ही खत्म हो जाती है और अब सत्येंद्र जैन को आज ही सरेंडर वापस करना होगा और तिहाड़ जेल वापस जाना होगा। बैक टू यू सृष्टि। कितने दिन अभी उनको ये एक तरीके से राहत मिली थी अपने ट्रीटमेंट के लिए, जो उनको एक तरीके से बेल मिली वो कितने दिन सत्येंद्र जैन को मिली थी, और जिस ग्राउंड पर, मेडिकल ग्राउंड पर वो और एक हफ्ता चाह रहे हैं, उसको कोर्ट ने क्या किस ग्राउंड पर कैंसिल किया और आज ही सरेंडर करना होगा सत्येंद्र जैन को? जी, मई 2022 में जैसा कि हमें पता है ईडी ने अरेस्ट किया था, ये 2017 की कंप्लेंट है सीबीआई की, मेन कंप्लेंट जो सीबीआई ने फाइल करी थी 2022 में अप्रैल में। सत्येंद्र जैन को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अरेस्ट किया था, उसके बाद करीब एक साल वो जेल में रहे और पिछले साल मई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत पे मेडिकल ग्राउंड पे बेल दी थी, क्योंकि उन्हें कुछ सर्जरीज करानी थी और उनकी मेडिकल कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं थी। तब से अभी तक जब भी कोर्ट के सामने हियरिंग होती है, बार उनकी अंतरिम जमानत को एक्सटेंड किया जा रहा था, क्योंकि उनकी जो मेन बेल प्ली है जिस पे आज आदेश आया है वो पेंडिंग था, तो बार बार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बीच में रिलीफ उनका एक्सटेंड किया है। अब तक वो अंतरिम जमानत पे थे, आज जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बेल प्ली को रिजेक्ट किया और उन्हें कहा कि सरेंडर करना है, उनके वकीलों ने रिक्वेस्ट की कि कम से कम एक हफ्ते का टाइम उन्हें दिया जाए ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि वो अभी भी बीमार हैं, अभी भी उनकी फिजियोथेरेपी चल रही है, वो मेडिकल बेल पे बाहर थे। हालांकि कोर्ट ने सिर्फ ना कहा है, 4 बार ना करके कोर्ट ने इनकार किया है किसी भी तरह का और रिलीफ देने के लिए सत्येंद्र जैन को। उन्होंने कहा है कि कोर्ट ने कहा है कि सत्येंद्र जैन को आज ही सरेंडर, एक बड़ा झटका यहाँ सत्येंद्र जैन को, फिलहाल आज ही उन्हें सरेंडर करना होगा, और राहत चाह रहे थे लेकिन वो राहत फिलहाल कोर्ट की तरफ से नहीं दी गई।